टॉपिक है एक आर्डिनो बेस एनालॉग कंट्रोलिंग बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनालॉग कनेक्शंस कैसे करते हैं आर्डिनो के साथ एंड एनालॉग पिन क्या वर्क कर रही है आर्डिनो में एंड वो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में दोनों बताने वाले हूँ आपको। सो लेट्स वी स्टार्ट। हार्डवेयर पार्ट तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ एक हार्डवेयर मैंने लिया है यूनो का, ये आर्डिनो यूनो है एंड ये आर्डिनो यूनो में क्या है कि ये सब डिजिटल पिन अवेलेबल है इसमें एंड ये जो टिल्ड साइन है वो PWM पिन है एंड ये एनालॉग पिन्स है A0 to A5 मीन 6 एनालॉग पिन्स अवेलेबल है एंड डिजिटल पिन 0 to 13 डिजिटल पिन अवेलेबल है एंड 5 वोल्ट ग्राउंड सब इसमें है एंड ये जो चिप है इसका नाम है 8 Mega 3 to 8 एंड इससे हम प्रोग्रामिंग करेंगे एंड इसको पावर भी दे सकते हो यहाँ से एंड इससे भी पावर दे सकते हो। ये DC जैक है। सो कनेक्शंस कैसे देंगे वो हम करेंगे एंड ये है एनालॉग पोर्ट और पोटेंशियोमीटर। जनरली ये ऐसे दिखता है ओके एंड इसकी वैल्यू है 10K ओके आप देख सकते हो अच्छे से। इसमें जो दो लेग ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है एंड ये एनालॉग है जो वेरी करेगा ओके। इसको मैं पोटेंशियोमीटर को ब्रेडबोर्ड के साथ अटैच कर रहा हूँ ऐसे एंड ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस कैसे होते हैं सो ये ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन कैसे होगा, ये सब शॉर्ट है हॉरिजॉन्टल में एंड ये वर्टिकल में शॉर्ट है ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट द कनेक्शन पार्ट। सो इसको मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट ओके। आर्डिनो में आप देख सकते हो कि यहाँ एक वीन है, ग्राउंड एक ग्राउंड है मीन्स वीन ग्राउंड ग्राउंड एंड वीन सॉरी 5 वोल्ट एंड दूसरे को मैं दे रहा हूँ ग्राउंड। सो ये ग्राउंड, ये यहाँ भी है वीन ग्राउंड 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 दे रहा हूँ इसको ओके एंड इसको मैं कनेक्शन एनालॉग में दे रहा हूँ। बीच वाला है वो एनालॉग में कोई भी आप देख सकते हो, यहाँ 6 एनालॉग पिन है, मैं A0 में दे रहा हूँ ओके। ये हमारा हार्डवेयर सेटअप रेडी हो गया एंड ये USB केबल है, प्रिंटर केबल, आर्डिनो केबल ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट द कनेक्शन पार्ट। सो ये आर्डिनो रेल एनालॉग कंट्रोलिंग बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर ओके। ये आर्डिनो है, आर्डिनो यूनो एंड ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। यहाँ से मैं कोई भी 5 वोल्ट है किसी को, तो ये 5 वोल्ट में ग्राउंड 5 वोल्ट मैंने दे दी है ये लेग में, ग्राउंड दे दी है ये लेग में, यहाँ आ गया 5 वोल्ट, ये आ गया ग्राउंड एंड इसको मैंने दिया है A0 पिन के साथ। A0 में एनालॉग पिन है, A0, A1, A2, A3 ओके टू A5 6 एनालॉग पिन है। यहाँ मैं A0 में इसको दे रहा हूँ ओके। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है ओके एंड ये हो गया कनेक्शन, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट दी सॉफ्टवेयर पार्ट। ये आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है आर्डिनो ID एंड ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ही है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन में एंड अब मैं जो भी एनालॉग पिन मेरे को लेनी है वो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अभी एनालॉग इसको मैंने फ्लोट के हिसाब से मैंने डिफाइन कर दिया है एंड मैंने एनालॉग पिन ली है A0, इसको मैं नाम दे देता हूँ पोटेंशियोमीटर A0 ओके एंड वेट सेटअप में इसको मैंने
डिफाइन करना है कि एज अ इनपुट है या आउटपुट है। सो ये जीरो पिन है, ये एज अ इनपुट है, ये डिफाइन हो गया। इसका जो भी डेटा है वो मैं आपको सीरियल मॉनिटरिंग में दिखाऊंगा। तो ये सीरियल डॉट बिगिन लेना पड़ेगा, इससे आपको क्या होगा कि जो सीरियल मॉनिटरिंग है यहाँ ये आपको देख सकते हो वहाँ पे जो भी एनालॉग की जो भी पिन की वैल्यू होगी वो। अब इसको मैं लूप में डाल रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि जो भी एनालॉग वैल्यू है, एनालॉग रीड एनालॉग रीड ऐसे कौन सी पिन है, ए जीरो पिन। अब ये जो एनालॉग पिन की जो भी डेटा है उसको मैं कोई भी वेरिएबल में मेरे को शॉर्ट स्टोर करना पड़ेगा। इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, ओके ये वेरिएबल मैंने लिया है शॉर्ट ए। जो भी एनालॉग की जो भी वैल्यू होगी ये ए नाम के रजिस्टर में स्टोर होगी, ये वेरिएबल में स्टोर होगी। अब मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, पोटेंशियोमीटर एनालॉग वैल्यू, ओके ये मैसेज प्रिंट होगा सीरियल मॉनिटरिंग में। और हमको जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसके सामने में ले रहा हूँ, ले लाइन मीन्स न्यू लाइन में आएगी, ए को मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ और डिले दे रहा हूँ, डिले 500 मिलीसेकंड का दे रहा हूँ अभी, ओके। सो ये इसका प्रोग्रामिंग रेडी हो गया, ये एनालॉग का प्रोग्रामिंग है। सो अभी मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के साथ एंड हार्डवेयर के साथ, ओके। अभी ये प्रोग्राम इसमें अपलोड कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पोर्ट लगा दिया है इसमें, तो ये पोर्ट है COM 70, इससे मैं कंपाइल कर रहा हूँ अभी। इसके पहले इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर मैंने नेम दिया है, ओके देख सकते हैं यहाँ कंपाइलिंग प्रोग्राम हो रहा है। डन कंपाइलिंग एंड अब इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। कोड अपलोड हो गया है, डन अपलोडिंग। अभी इसको मैं सीरियल मॉनिटरिंग में ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 70 आ रही है, ओके। एंड अभी मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो कि 509, 511, ओके 566, 604, ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है क्योंकि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 02 लेके 1023 तक आएगी, ओके। अब इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू कम हो रही है। ओके इसको मैं जीरो कर रहा हूँ अभी, तो वैल्यू जीरो आ गई। अगेन पूरा मैं घुमा देता हूँ डायरेक्ट 1023। तो ये हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट, थैंक यू। जैसे आपने देखा आर्डुइनो बेस्ड एनालॉग कंट्रोलर मैंने लिया बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो सब मेरे वीडियोस हिंदी में होते हैं, सो यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।